और दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट देख रहे हैं। क्योंकि बात की जाए अंजलि की, तो अंजलि इस समय किसी भी तरीका से प्लान करेगी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे बारे में, और वो इस समय प्रीता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही है। क्योंकि इस वक्त जो कि अंजलि को पता चल चुका है कि अपनी सभी की सभी प्रॉपर्टी जो कि नाम कर दी है प्रीता के अर्जुन ने, तो इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता हुआ नज़र आ रहा है। और मानना यह है इस समय जो कि पूरी तरीक़े से अगर बात की जाए अंजलि की कि वो अर्जुन इस समय यहाँ से निकल जाए तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अर्जुन ने जब प्रॉपर्टी नाम कर दी है, और जो कि अर्जुन की माँ यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि राखी माँ ने अर्जुन से वादा लिया है कि बेटा मुझे छोड़कर तू कभी नहीं जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन के बारे में हालांकि सभी को पता चल चुका है, और पता चलना वैसा भी नहीं है बल्कि सच्चाई के साथ में पता चला है अब सभी लोगों को। लेकिन अंजलि का सोचना ये है कि अर्जुन अगर इस फैमिली में रहा तो मेरे से दूर हो जाएगा, और मैं अर्जुन को कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये वो शख्स है अर्जुन जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन आखिरकार अर्जुन के ही साथ में इस तरीका से कोई गेम खेलेगा तो अर्जुन ने ये कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि असली गेम चैलेंजर तो इस समय अंजलि निकली, और अंजलि ही पूरी तरीका से गेम खेलती हुई सभी के साथ में इंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि अंजलि को लग रहा है कि मेरा प्लान तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन जल्दी ही सृष्टि एक बार फिर से प्लान को एक्सपोज करने जा रही है, वो भी अंजलि के प्लान को। क्योंकि अंजलि ने चाहे कितना बड़ा प्लान खेल लिया है, लेकिन आखिरकार अर्जुन को वो कैसे छीन सकती है, क्योंकि सृष्टि को पता है कि ये मेरे जीजू करण ही हैं, और सभी लोगों को भी पता है करण है। लेकिन अंजलि बार बार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीका से ये चीज़ आइडेंटिफाई ही नहीं हो। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।